हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत आपका एक बार फिर से। और हम यहाँ हैं अभी अपने घर में। और आज सिस्टम देखो, यहाँ कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं, मतलब बनेगी तो सब्जी भिंडी की, लेकिन खिचड़ी बोलता हूँ मैं इसको। खिचड़ी पक रही है, सामान यहीं पे उठा लाए हैं सारा। और ये चूल्हा यहाँ पे सजा दिया, देखो उपले भी हैं कट्टे में भर के उपले। नंदनी है हमारे साथ में और गुड्डू है अभी, तो आज खाना बनाने की यहीं पर तैयारी हो रही है। और इसका रीज़न क्या है ये लोग ही बताएंगे, इसका रीज़न तो क्या है। इसका और रीजन है गर्मी। गर्मी ज़्यादा है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कल से पानी की मोटर हमारी ख़राब है उधर। और यहाँ पे एक टैंक ये रिजर्व में भरा हुआ था, यहाँ छत पे रखा है, जो उसके पानी से काम चलाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर हमने बहुत दूर से नल से भरा है, पड़ोसियों से वहाँ पे घर बाल्टी में पे। पीने के लिए भर कर लाई मैं। और यहाँ पे भी ये देखो, दो बाल्टी रखे हैं ना, तो पीने योग्य पानी जो है इनमें सुरक्षित कर लिया है। बाकी का काम टैंक के पानी से चलाएंगे। और कई बंदे लग रहे हैं सुबह से ही, हमारे जो इलेक्ट्रीशियन हैं मोटर निकाल के ले गए थे वो उनके पीछे, क्योंकि गर्मी बहुत है और पानी के बिना काम चल नहीं सकता 1 घंटा भी। नंदनी अपनी धुन में कुछ सवार है, बेटा चलो गाड़ी पे कवर डालते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ताकि इसके आसपास कुछ खुरच न दे भाई। हैं तो एक चाकू मुझे दो और फटाफट से हम। बाबा जी थोड़ा हाँ सा आप जी, ही काट लो, मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट ना करे, जल्दी जल्दी कटवा, चाकू और है क्या? चक्कू और चाकू मिला इसे नहीं, अच्छा मिला नहीं, चक्कू जबकि एडवांस में यहाँ रख रखा मैंने सब्जी काटने की वजह से। कहाँ हो सकता है मुझे एक बार बताओ, इसमें भी देख लो, कभी यहाँ इसमें डाल रखा हो बच्चों ने। मैं लाता हूँ देख के। क्योंकि एक ताजी सब्जियाँ बेलों पे से काटने के लिए एक चाकू यहाँ पे रखा रहता है रिजर्व में। अब मैं देखो भाई, यहाँ तो नहीं रखा हो कहीं पर, यहाँ तो खुरपा है, खुरपे से सब्जियाँ थोड़ा ही कट रही हैं, नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। और भाई सब्जियों में भी पानी की बहुत ज़रूरत है, तो आज ये जो मोटर है ठीक करवानी ही करवानी है 100%। तो वहाँ चक्कू है नहीं भाई, तो भंडारा हुआ संपन्न, और बची हुई सब्जी स्टॉक में लगा देंगे शाम के लिए। तो बर्तन धोने की शक्ति ये रही, तो अंदाज वही रहेगा दस्ती वाला, क्योंकि राख से बर्तन धो लेंगे तो यहाँ पे चौके का काम होगा, डायरेक्ट पानी मेन हॉल में। आप जुड़ो दो बर्तन, देखो कितने 100 है। सबने डिस्पोजल में खा लिया आज, गिलास यूं जाने गिलास थ्रो हुए। कर दिया। और इतने सारे से बर्तन जो हैं झुके हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज भंडारा यहीं पर चालू था और अब लंच समाप्त हो गया। सब्जी है भिंडी की बची हुई, इसे रख दो कहीं ठंडे स्थान पर, उनका बिल्लो में रख दूंगा ले जाके, फ्रिज तो यहाँ है इधर। नहीं टमाटर टमाटर के पड्डे के नीचे रखे छाँव में रख दूँ। में शाम के 6:30 बज गए और फिर से हम पहुँच गए अपनी बागवानी में। कुछ यहाँ से सब्जियाँ तोड़ेंगे हम, कुछ देखेंगे कि कितने आ रही हैं, ये देखेंगे कौन सी बेल में पानी की मात्रा कम है, कौन सी मुरझा रही है। तोरी का जायजा लिया जाएगा भाई, कहाँ कहाँ लग रही है, और बेले कुछ ऊपर फैलाई जाएंगी, ये टहनियाँ बढ़ती हुई। तो मैं इन्हें ना इनका सही रास्ता दिखा देता हूँ, और दिखाने दिखाने में देखो इधर कैसा हो चुका है, इधर पूरी छाया हो चुकी देखो है, कितना ठंडा सा फील हो रहा है और ना। यहाँ पे ना टेम्परेचर भी अच्छा सा फील हो रहा है। देखो हमारी झोंपड़ी सी भी तैयार हो गई, इधर सारी बेले लटक रही हैं ज़्यादातर, ये सारी ऊपर करनी है मुझे। स्प्रे के लिए टंकी भी मंगवाऊँ क्या? मंगवा लो उसमें लस्सी में 5-6 लीटर पानी लगाकर इनमें बारीकी से फैल जाएगा वो, है ना। तो स्प्रे मशीन देखते हैं भाई किसी की, अभी तो उधार ला के एक काम बात चलाएंगे। बताऊँ, जब ये गिनती हो जाएगी ना कितनी सारी तोरी सब्जी, तो हमें दिखे भी नहीं करा रहे इसमें। अच्छा हाँ, मुझे तो चश्मा दिख लगा जाएगी, खाना पड़ेगा। लोग इस हिस्से में लग रही हैं, बाकी हिस्सों में अभी नहीं तैयार उधर होगी, है, वो देखो होगी तैयारी को। उधर भी होगी। हाँ वो लोग स्वस्थ है। ये हो रही है, तोरी भी हो रही है, और लगातार अब जो है सब्जियां चल रही हैं, और हवा उम्मीद है बदलेगी कि क्या और भी चलेंगी है जी? भविष्य में। हवा हवा, हाँ हवा हवा बदलेगी। बदल चुकी है, पछुआ चल रही है 2-3 दिन से। तो बोलते हैं कि जब पछुआ हवा चलती है तो उसमें ज़्यादा लगती हैं सब्जियाँ। अभी फिलहाल टमाटर की खेती से टमाटर तोड़ेंगे, बंदरों ने कुछ टमाटर खाए हैं, ये देखो ये पड़ा है, तोड़ के खाए तो हैं लेकिन पूरे नहीं खाते, ऐसे तोड़ तोड़ के फेंक जाते हैं। और कुछ टमाटर पके हैं, उन्हें तोड़ने का अभियान अभी शुरू करा जाएगा। कुछ तो बंदरों ने तोड़ लिए पके हुए, और कुछ हम तोड़ लेंगे। तो पके टमाटर जितने हैं वो तोड़ के रख देंगे। ये देखो एक इधर पड़ा है भाई, ये भी तोड़ के टेस्ट करा होगा बंदरों ने, लेकिन ज़्यादा स्वाद उनका इसमें बैठा नहीं है, तो इसलिए भी फेंक करके चले गए।
अब हम ढूंढेंगे इसमें पके टमाटर इस तरह के, ये देखो तोड़ तोड़ के मैं रख लूँगा। टोकरी एक स्टील की रख लिया है यहाँ पे और इसमें इकट्ठे करे जाएंगे। अभी गर्मी की वजह से भी पक रहे हैं कुछ, गर्मी सहन नहीं कर पाते और ये लाल हो जाते हैं। गाइस फिलहाल इतने सारे टमाटर हम लोगों ने तोड़ लिए हैं और उम्मीद से ज़्यादा, इतने मुझे उम्मीद नहीं थी जितने इस पर फल आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा। और अब हम यहाँ पर सब में चलाएंगे पानी। आज दोपहर में खाना भी सब ने खाया था यहीं पर, तो सबके मज़े आ गए। नू कह रहे सब बहुत अच्छा लग रहा और अच्छा सा फील हो रहा। पंखे की तो किसी ने ज़रूरत मांगी नहीं, यहाँ से जुकर नू कह दिया नू को पंखा चला दो। लग जाते हैं शाम के टाइम अपनी किचन गार्डन में और अभी पाइप लगाएंगे। चाचा जी ने सब मर्सिबल चला दिया है, अब सब में पानी भर देंगे। ये इतने सारे भाई ख़राब निकल गए जो ज़मीन में लगे हुए थे, देखो काफ़ी सारे टमाटर हैं और मैंने इन्हें ना आज पानी लगा दिया, थोड़े थोड़े पलट भी दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर जो हैं वो धरती में न लगे और ख़राब ना हो। लाइट चली गई बीच में, देखो मेरा काम अद्धा अधूरा रह गया। और ये देखो यहाँ के घर आंगन में खाट बिछा कर बैठ के और टमाटर की कटिंग किसी और तरीके से कर रही, क्या बनाना चाह रही है। सब नु कह रहा है नु को जब टमाटर इतने ज़्यादा हैं कच्चे पक्के से हैं तो इनकी खट्टी मीठी सब्जी बना लो ना, जैसे आम की सब्जी बनाओ आप। अच्छा हाँ। तो ऐसी सब्जी बनेगी आज, खट्टी मीठी आम जैसी है। हाँ। तो भाई इधर से देखो खेत से ताजे टमाटर टूट के आए और इधर परात में रख के इनकी कटिंग भी चालू, और कुछ एक बाकी यहाँ भी रखे हैं देखो। और ये टमाटर जो हैं ये हरे टमाटर ये अपने आप से टूट गए, मतलब उलझ के। तो फिलहाल मैं लाइट का वेट करने के अलावा करंट का कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। पालक में पानी इधर से लगा रखा था और यहीं से पाइपलाइन बना रखी थी आगे जाने की, यहाँ से पानी टमाटर में जाएगा फिर बेलों में जाएगा उधर, तो इस तरह से सीरीज में इधर से चलता है। उधर भी सीरीज ऐसे ही बना रखी है दो तीन, एक तरफ छोड़ते हैं पाइप वहाँ पर और ऐसे चलता है पानी, एक उस खेत में भी ऐसे ही होता है, एक तरफ पानी छोड़ देते हैं और सारे में पाइपलाइन के द्वारा चलता है। तो देखो कितना हिसाब किताब बढ़िया बना रखा है।